श्री गुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय श्री गौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थ गोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत काम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा परमाराध्य शिक्षा प्रविष्टोम एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णु पाशल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत परमाराध्य गुरु महाराज जी के असीम हम लोगों रूप गोस्वामी जी के द्वारा प्रदत्त ये दिव्य वाणी को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। हम लोग तत्त्व कर्म के विषय में चर्चा कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज क्या करने चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके संबंध में बतला रहे हैं। कल हमने सुना यहाँ तक कि किसी भी परिस्थिति में किसी को भी उद्वेग नहीं देना चाहिए, ये आदत बड़ी गंदा होता है। दूसरे को वो बहुत ज़्यादा खराब है। कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे को हमारे कारण सुख हो, और अगर सुख नहीं हो मिल पाता है कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि हम लोग किसी को दुखी ना करें, किसी को ना दें। अलग अलग स्तर में अलग अलग प्रकार के कष्ट तकलीफ होते हैं, उनमें से यहाँ तक कि कृष्ण भक्ति से विमुख जो कोई भी वस्तु के बारे में चर्चा या उसका दान सब कुछ जीव हिंसा में ही आते हैं। जीव हिंसा में ही आते हैं तो इसलिए बता दिया, सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव भी कृष्ण है। दया का भाव मतलब कि उनको कृष्णोन्मुख करने का एक प्रक्रिया। जैसे अक्सर लोग बोलते हैं जीवे दया, जीवे दया का लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके लिए आहार निद्रा भय मैथुन आदि की व्यवस्था ही उनके प्रति दया का भाव, वो भी दया का ही एक है, लेकिन में उसको पूर्ण रूप नहीं किया है। आंशिक रूप से वो का व्यक्ति को भोजन देना वो भी एक आंशिक रूप से वो जीव के प्रति दया का ही विषय है।
लेकिन वास्तविकता में विचार करें तो उसको कृष्णोन्मुख होने की प्रक्रिया के साथ अवगत कराना, ये वास्तविकता में जीव के प्रति दया है। और ऐसी सेवा में प्रवृत्त व्यक्ति का वो साधन भी भक्ति का अंग ही हो जाता है। परम आराध्य श्रील गुरु महाराज जी इस विषय में बतलाते हैं कि जो भक्त होता है वो इस चीज को समझता है कि कृष्ण का और कृष्ण भक्ति से श्रेष्ठतम साधन कुछ नहीं, कृष्ण प्राप्ति से श्रेष्ठतम साधन और कुछ है ही नहीं। इस बात को जानने के तमाम जीवों को कृष्ण का रूप में अनुभव होता है। जब हमने कृष्ण को पहचान लिया, कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर लिया, या उसको प्राप्त करने के मार्ग में निष्कपट होकर भी चल रहे हैं, तो भी हम होना शुरू हो जाता है। साथ ही ये भी पता चलता है कृष्ण विमुख होके ये प्रकार से अपने जीवन में उद्विग्नता को प्राप्त कर रहे हैं, उनके उस संताप को, उनकी उस उद्विग्नता को मिटाने के लिए जो देता है गुरुजी बोलते हैं वो भी भक्ति का ही अंग है। को संबोधन किया था कि आप तो मैं आपका गृहस्थ हूं, के उत्तर में आपको बतलाते हैं कि वास्तविकता में आप हैं मेरे परमाराध्य गुरुदेव के शिष्य हैं। और उसके बाद गुरुजी यह बात बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है वो स्वयं को कभी भी गुरु भाव से नहीं देखता है, वो तो तीसरा व्यक्ति का दर्शन होता है, वो देखता है ये शिष्य है, लेकिन शुद्ध भक्त के दृष्टि से गुरु महाराज सेवा में ही नियुक्त रहता है। और इस कारण से का भक्ति की श्रेष्ठता को अनुभव करने के कारण कृष्ण विमुख जनों को कृष्ण सेवा में नियुक्त करने का जो साधन है उसका, जो कि उसका भक्ति का अंग है, उसका किसी को कृष्ण भजन करो, वो उस भक्त का भक्ति का अंग होता है वो। और उस वाणी से प्रेरित होकर जो कोई भी व्यक्ति आगे आता है, उसको देखने वाला जो व्यक्ति होता है उसके दर्शन में वो गुरु शिष्य का भाव दिखता है, नहीं तो ये केवल भक्ति का संचार, भक्ति का वही एक प्रक्रिया है, क्योंकि वो भक्त है, दास्यता उनके अंदर प्रधान रूप से रहता है कि मैं भगवान हूँ, उनका सेवा करना मेरा धर्म है। और कार्य के अंदर जब उनकी यात्रा चल रहा है उस दौरान जो जो को ग्रहण करने की आवश्यकता है, जो जो परिस्थिति, उन उन परिस्थितियों को ग्रहण करते हुए चले जाते हैं। उसके अंदर विरक्ति का मार्ग भी आ सकता है, उसके अंदर गुरु कार्य भी आ सकता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का लघु कार्य भी आ सकता है। शुद्ध भक्ति से सराभोर जो शुद्ध भक्त होता है, कोई पापकर्म भी होता है भगवान के उद्देश्य से, वो भी भक्ति का अंग ही हो जाता है। अपराध की गणना नहीं करते। इंद्र ने जब ब्रह्म हत्या किया, गुरु हत्या किया, तो इंद्र को पाप लगा। हनुमान जी
उन्हें उनका जलाया, बहुत लोगों को मारा, बहुत कुछ किया। बहुत ब्राह्मण भी मरे लंका में, खुद रावण भी तो ब्राह्मण है, पुलस्त्र ऋषि का पौत्र है, लेकिन असुर भाव को लेके पैदा हो गया, इसीलिए वो असुर हो गया। ऐसे जरूर कोई सी बड़े बड़े सींग रहते जो दिखता है, ऐसा नहीं, वो वृत्तियां असुर जैसा है। जैसे आदमी का आचरण अगर पशु जैसा है, उसको बोलते हैं तो पशु है, उसका शरीर आकृति पशु की तरह ही है, लेकिन उसके कर्म ऐसे ऐसे असुर भी। अब प्रहलाद महाराज को थोड़े ने सींग सूंघ थे कुछ, कहने का अभिप्राय है, इतना करने के बाद भी हनुमान जी को पाप नहीं, उसका कारण क्या है? भगवान के निमित्त में किया, भगवान चाहे किसी का वध करे, किसी को ज्ञान दे, किसी को त्राण करे, किसी को शासन करे, कुछ भी करे, वो सब क्योंकि वो स्वयं भगवान के चरणों में एकांतिक रूप से तो इसीलिए बोल रहे हैं, अगर हो सके तो भक्ति अंग का पालन करना है, लेकिन कभी किसी को उद्विग्न नहीं करना, दुख नहीं देना है, वो बहुत खराब होता है। और बोलते हैं सेवापराध और दशनामापराध अवश्य वर्जनीय है। सेवा करने वाला व्यक्ति स्वेच्छाचारी होके सेवा करेगा, नाम करने वाला व्यक्ति स्वेच्छाचारी होके नाम करेगा, तो वो सेवा विग्रह और स्वरूप के चरणों में अपराध हो जाता है, और ये नाम प्रभु के चरणों में अपराध हो जाता है। नामापराध से नाम प्रभु के चरणों में अपराध होता है, सेवापराध से नाम विग्रह स्वरूप तीनों के चरणों में। इसीलिए बोलते हैं ते वे चलना चाहिए, उनको छोड़ते चाहिए। प्रेम में नियम नहीं होता, प्रेम में कोई नियम नहीं होता, ये हर नियम से परे होता है। प्रेम की अवस्था पहले बहुत हैं, उन नियमों का जो व्यक्ति उल्लंघन करके चलता है, न सिद्धि मवाप्नोति, उसको सिद्धि तो मिलेगा नहीं, ना सुखम सुख भी मिलेगा नहीं, ना मरने के बाद धाम मिल जाएगा, भगवान का सेवा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अक्सर लोगों को हम देखते रहते हैं, ये गोपाल जी की मूर्तियां वगैरह जो है टोकरियों में ले लेके घूमते होते हैं, नहीं है फोटो टेबल बुकिंग किया, वो मतलब वो पुतले की तरह भाव लेकर के चलते होते हैं, दुनिया भर का गंध लोग बैठते हैं खाते हैं, वो जगह को स्नान करो साफ करो, तब भी भगवान को विराजमान कराने लायक स्थान वो होता नहीं है। लेकिन अल्पज्ञ जीव अपने अल्प बुद्धि से अपने काल्पनिक भावों के वश में आकर भगवान का कई बार अनादर करते हैं। गोपाल जी को राधा रानी की तरह सजा देना, उसका एक अधिकार होता है। कृष्ण को राधा रानी की तरह सजाते हैं, मतलब गोपी की तरह सजाते हैं, कौन सजाते हैं वो, कोई नहीं सजा सकता उसको, केवल सखियां सजा सकती है, वो भी राधा रानी के अनुगत में। स्वतंत्र होके तो गोपियां भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाती, स्वतंत्र होकर जब शारदीय रास पूर्णिमा में रासलीला चल रहा है, उस समय श्री कृष्ण उनके मध्य में से अंतर्धान होके चले जाते हैं, उसके बाद गोपियां कृष्ण का अनुसंधान करते हुए निकलती है, और वही गोपियां
लेकिन वही राधा रानी के अनुगत में जाते हैं तो कृष्ण कृष्ण नहीं रह पाते हैं। फिर तो कृष्ण को अपने वास्तविक जो स्वरूप है, निज रूप, उसको प्रकट करना ही पड़ता है। ये बात तो इसीलिए स्वयं गोपियां भी राधा रानी के अनुगत्य के बगैर कृष्ण सेवा नहीं कर सकती, कृष्ण को सजा नहीं सकती लड़की की तरह, गोपी की तरह। लेकिन आजकल लोग कुछ भी संबोधन करते होते हैं राधा कृष्ण को, कुछ भी बोल के गा रहे होते हैं, अज्ञानी जीव है, उनको प्रेरित करने वाला जो व्यक्ति होता है समाज के अंदर, वो भी पतनोन्मुख मार्ग को ही अनुशीलन करता हुआ चल रहा होता है। इससे इससे कई सारे है, इससे अपराध होता है कि अनाधिकारी व्यक्ति, जब अनाधिकारी व्यक्ति जब होता है तो उससे अपराध ही होता है, वो सब नहीं करनी चाहिए। विग्रह के साथ में मजाक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्वरूप तो दूर की बात है, विग्रह से भी मजाक। और उसके बाद गुरु जी का भजन कुटीर है और गुरु जी का जो बाथरूम है वो स्टोर बन। ठाकुर जी को छोड़ के तो बदजीव जा सकता है, ठाकुर जी को छोड़ के बदजीव जा सकता है, लेकिन ठाकुर जी को छोड़कर गुरु जी तो जा ही नहीं सकते। गुरु जी तो कभी कहीं नहीं जा सकते, तो गुरु जी वहाँ हैं लेकिन स्थूल रूप से हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमारी बद्धावस्था के कारण। समाधिस्थ अवस्था में सूक्ष्म रूप में गुरु जी वहाँ पर विराजमान है। तो इसीलिए जब उनकी सेवा का विचार जब आता है, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये सब ना करने पर फिर उसके बाद सेवा अपराध होता है। विग्रह कहाँ खा रहा है, आलोट जनल जलाना भूल गए, अंदर मच्छर जाके ठाकुर जी के विग्रह पे बैठ गया। मच्छर ठाकुर जी को खाता है? नहीं खाता है। आदमी खून पी जाता है, उनको पता है कि ठाकुर जी का शरीर है, वो तो चूमने के लिए जाता है। लेकिन साधक को तो समझना चाहिए कि नहीं, मुझे जो है इन चीज़ों से ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा कहने का मतलब अपनी सुविधा के अनुसार नहीं होता है, भगवान की सुविधा के अनुसार भगवान सेवा होता है। मनुष्य से तो पशु अच्छा है, हम सब जानते ही हैं ये बात कि पशु के अंदर इंसान से ज़्यादा कॉमन सेंस होता है, हिंसा का भाव कम होता है। सबसे ज़्यादा खराब अगर कोई प्राणी वर्तमान में है कोई दुनिया में, 84 लाख योनियों के अंदर, वो केवल मनुष्य है। ये तो दूसरे के थाली में से छीन के खाता है, लेकिन पशु का ऐसी प्रवृत्ति है ही नहीं। पशु तो सिर्फ अज्ञानतावश जो भी किया सो किया, नहीं तो पशु मनुष्य से भी सुंदर व्यवहार करता है। इसीलिए लोग कई बार बोलते हैं तुमसे तो अच्छा कुत्ता पाल लेना, मतलब इतनी लॉयल्टी, इतना वफादारी, इतना प्रेम एक पशु व्यक्ति से ज्यादा करता है। तो जो हो सेवा अपराध नहीं करना चाहिए कभी भी। ठाकुर जी के आगे जाके प्रणाम नहीं करना, ठाकुर जी के आगे खड़े होकर के वृथा गल्प करना, फालतू की बातें इत्यादि। हमारे साधन संकेत में छपा है 32 प्रकार के सेवा अपराध। बोलते हैं वो सब नहीं करना चाहिए, वो सब गलत है। हरिनाम करते हुए जैसे लोग माला को ऐसे ऐसे हिलाते हिलाते चलते हैं, वो बड़ा खराब है।
गुरु महाराज जी तो हमेशा माला को हृदय स्थान में रख के करने के विषय में गुरु जी बोला करते थे, और उसके बाद माला को करते हुए कट 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 ऐसे ऐसे करके झाड़ते रहना उसको। वो माला का साउंड सुने बिना, मनकों का टकराव का साउंड सुने बिना उसको लगता नहीं कि वो हरिनाम कर रहा है। हाँ? देखा ना इसे, लोग करते हैं इसे। और भी देखा, वो दो तीन उंगली में माला फंसता है और बाकी हाथ भी झोली से बाहर रहता है। देखा इसे? सिर्फ उसको मतलब ये वाली उंगली से जो तर्जनी, उससे झोली को हुक की तरह लटकाया हुआ होता है, बाकी तीन उंगली से माला को पकड़ रहा होता है, ऐसे ऐसे करके हिलाते हिलाते चलते हैं। ये सब नाम अपराध है, सब सेवा अपराध है। तो इसलिए ये सारी क्रिया को करना नहीं चाहिए। माला हमेशा हृदय स्थान में रख के ऐसे, नहीं तो हाथ में ऐसे रख के आराम से किया जा सकता, लेकिन माला को हिलाना, क्योंकि वो मन का भगवत स्वरूप है, इसलिए उसको तो इस तरीका से करना वो सेवा अपराध। जैसे विग्रह को हम लोग रंधन करके, रसोई इत्यादि बनाकर, आरती वगैरह करके जैसे विग्रह का सेवा करते हैं, ऐसे ही हरिनाम का जो जाप है वो माला का निवेदन है, माला का जो नैवेद्य वगैरह आरती सब वो हरिनाम का जाप है। इस कारण से उसको सावधानी के साथ करना होता है, विग्रह के साथ, और उसके बाद नाम प्रभु के साथ परिहास कभी भी नहीं करना चाहिए, वो अनर्थों को ही आमंत्रण करेगा जीवन के अंदर। क्या बोलते हैं, भगवान के श्रीमंदिर में प्रवेश करने के समय सेवा अपराधों से अवश्य बचना चाहिए, बिना नहाए अंदर घुस जाना, ये सारी चीजें बहुत खराब है। जिसका बृहद व्रत होता है, जिसका आजीवन का व्रत होता है, वो व्यक्ति का हर स्थिति के अंदर देह पवित्र होता है। इसीलिए जो विरक्त होते हैं वो लोगों का देह पवित्र माना जाता है, वो तो आजीवन व्रती है, तो इसीलिए उनके लिए कुछ नियमों का छूट होता है, अन्यथा भगवान के सम्मुख में जाने वाला व्यक्ति मलिन अवस्था में नहीं जाना चाहिए। सुबह सुबह भगवान का स्वागत करने के लिए जब जाते हैं, वो स्नान संध्या तिलक कुसने ऐसे से आंख मलता हुआ चले जाएंगे ऐसे खड़े, अले ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, बृहद व्रती होते हैं जो लोग, जीवन का व्रत ले लेते हैं, आजीवन व्रत उनका है, वो लोग गृहस्थ नहीं होते हैं, वो लोग ब्रह्मचारी होते हैं, त्यागी होते हैं, गुरुस्थान में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक थोड़ा के लिए वो है, राहत है, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध है। फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि ठाकुर जी के सामने जाने से पहले हो सके तो स्नान संध्या पूरा हो जाए। लेकिन अगर गृही व्यक्ति है उसको तो जाना ही नहीं चाहिए ऐसे, और उसके बाद शैया पे शयन करने वाला व्यक्ति, वो सब लोगों को इन चीजों का सावधानी रखना पड़ता है। तो इसलिए बोले ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नामापराध 10 प्रकार के हैं, इनका विचार अनेक स्थलों में दिया गया, नामापराध के बारे में बहुत विचार दिया गया, पद्म पुराण में उल्लेखित है, नारद गोस्वामी जी महाराज ने बताया। तो नाम करने वाला व्यक्ति उसको भी सावधानी के साथ, उनको भी त्याग करते हुए साधन गंभीरता से करना चाहिए, ये सब समझना चाहिए। इन विषयों में शिथिलता करने से उनका साधन भजन सब कुछ व्यर्थ है, ये सब व्यायाम है। कई लोग ऐसे होते हैं और सुन के देख के थोड़ा सा इरिटेशन भी होता है, तुम पिसाब जाओगे,
हाथ पांव धोना नहीं, और तुम सेवा कार्य में जा रहे हो, हरि नाम का माला पकड़ रहे हो, जाप कर रहे हो, तो क्या है ये? मतलब ये सारी चीजें अगर आदमी सावधानी नहीं रखता है, माला को एक जाप करने का एक यंत्र है, जैसे कि काउंटर होता है, ऐसा ही माला भी एक यंत्र है जो कि संख्या की गणना के उद्देश्य से रखा गया बोल के जो कोई भी विचार करता है वो व्यक्ति वास्तविकता में अपना मंगल नहीं कर सकता है, चाहे जो मर्जी जाप कर ले। गुरु महाराज जी माला को खूंटी पे भी टांगने के लिए गुरु जी निषेध करते थे, माला कभी भी लटकाना नहीं है कहीं पे। गुरु जी हमेशा कभी भी गुरु महाराज जी का माला को लटकाया नहीं गया था। शेष काल में भी जब कलकत्ता के अंदर गुरु महाराज जी 4 साल विराजमान रहे, तो वहाँ पर एक कोने में छोटा सा दीवार के साथ एक छोटा सा बास्केट जैसा फिट किया था, उसके अंदर आसन देके गुरु जी का माला को रखा था। माला को पवित्र स्थान में, अपने से ऊंचा स्थान में या सिर के पास में, यहाँ आसन दे मतलब जहाँ कोई ग्रंथ इत्यादि रहते हैं, पूजा का स्थान है, वहाँ पर ऐसा संभाल के यत्न के साथ रखना होता है। कई भक्तों के घर में देखते हैं, घर में अगर 5-7 लोगों का हरिनाम हो गया है तो 5-7 लोगों का माला एक ही खुंटी पे टंगा हुआ रहता है। ऐसे माला को खुंटी पे टांगना, माला एक ही जगह टंगता है, वो है हमारा गला, वही कंठी है, वही हार है, वही सब कुछ है, और वो भी माला झोली का लंबाई भी बहुत लोगों का एकदम लंबा होता है, वो झोली से लटका के पैंट में या कमीज में कहीं डाल लेते हैं, या आजकल एक और फैशन हो गया, हम देख के हैरान हो गए, ऐसे साइड में लेता है, जैसे जनेऊ लेता है ऐसे साइड में ही लेता है। ऐसा कौन ऐसी ऐसी इन्वेंशंस करते हैं, कौन सिखाते हैं, भगवान जाने। प्रामाणिक आचार्य कोई भी हृदय स्थान से माला को वो नीचे नहीं जाने दिया, वो हैंडबैग की तरह लेता है साइड में और यहां लटक रहा होता है, या कई बार और पीछे चला जाता है वो। अरे हरिनाम का माला है, ये सब चीजों का आदत जिसका होता है वो ज्ञानी हो सकता है, ग्रंथ पढ़ के कथा सुन के प्रचारक हो सकता है, लेकिन एक आदर्श भक्त कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम जिस वस्तु का सेवा कर रहे हो उसका सम्मान, उसका कदर तुम्हें है ही नहीं। पेशाब करके हाथ पांव धोए बिना आके जो व्यक्ति माला पकड़ता है, ये केवल बंदर कर सकता है, वानर कर सकता है, मनुष्य को तो अकल दी भगवान, ये नाम अपराध है, वो सेवा अपराध। जूते पहन लेते हैं, हाथ धोए भी नहीं सीधा माला उठा के करना शुरू कर देते हैं, कथा में बैठ जाते हैं, पॉम में हाथ लगा लेते हैं, उसके बाद जाके सीधा माला पकड़ लेते हैं, ये सारी चीजें अपराध है, इनसे व्यक्ति को बचना चाहिए। जिस प्रकार से विग्रह का सम्मान किया जाता है, विग्रह का जिस प्रकार से आदर किया जाता है, उसी प्रकार से माला का भी आदर करना होता है। माला मतलब एक विग्रह है दूसरे स्वरूप में, उनका जो भोग लग रहा है वो हरिनाम का लग रहा है, इसलिए माला को गुरु महाराज जी ने लिखा, पैंट के जेब में माला को रखना वो बहुत बड़ा अपराध है, पैंट के जेब में माला को रखना बहुत ही बड़ा अपराध है, हैंडबैगों में रखना इधर उधर, वो इसलिए क्योंकि चमड़ी का बैग होता है कईयों का, और उसके बाद उसके अंदर दुनिया भर के सामान रहता है, कवाड़ रहता है, साफ सफाई रखते नहीं, इसीलिए हैंडबैगों में भी माला वगैरह रखना ये सब ठीक नहीं होता है।
हम तो हैंडबैग में माला रखना विदेश यात्रा के दौरान शुरू किया था, लेकिन माला झोली हम जब बैग में रखते हैं तो उसमें भजन गीति हो या कुछ सेवा का उपकरण छोड़कर वो स्थान में कोई और चीज को नहीं रखते, वहाँ पे उसमें किसी और वस्तु को नहीं रखते। उस तरीका से वो के विशेष उसी उद्देश्य से, वो भी इसीलिए विमान के अंदर सिक्योरिटी वाले हाथ लगाने की संभावना होता है, उस कारण से उसको यत्न के साथ रखने का उद्देश्य से। नहीं तो हैंडबैगों में माला वगैरह रखना ये सब ठीक नहीं होता, चमड़ी के बैग वगैरह के अंदर, और उसी में खाने की चीजें रखना। हाँ, पैसा के बिना गति नहीं है ना, कार्ड के बिना, कैसे के बिना तो गति नहीं है, दुनिया चल रही है उसी से। लेकिन अभिप्राय ये है कि उसको संभाल के रखना चाहिए। ये सब चीजों का अनादर किसी भी कीमत से, किसी भी कारण से हमसे ना हो, इसका सावधानी एक साधक को जरूर रखना चाहिए, तब जाकर के हरिनाम ठीक से होता है। हाँ, न उसमें वो ठीक है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वो भी ना करे। माला झोली के अंदर जिप लगा हुआ रहता है, उसमें जो है कई बार लोग पैसे वैसे रखते हैं, वो उतनी असुविधा नहीं है वो, क्योंकि माला के संपर्क में नहीं है, वो कंपार्टमेंट ही अलग है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि वो काम भी ना करे। क्यों, भगवान ने इतने जेब दिए, पैंट में, कमीज में, सब जगह उसमें रखो, लेकिन माला झोली में पैसा बोलने से याद आया। कई ऐसे होते हैं, एक का देखा उसका झोली इतना भारी दिख रहा है, लटक रहा है यहाँ तक। मैं पूछा, क्या है इसमें इतना बड़ा माला आपको गुरुजी ने दी है? उसके बाद हम देखा उसके अंदर इतना बड़ा मोबाइल, हाँ, माला, मोबाइल, पैसा, सब कुछ एक ही साथ में है अंदर। तुम कैसे हरिनाम करते हो उसमें? और उसके बाद दुनिया भर का गंध। हम लोग ध्यान नहीं देते, कई बार माला करते करते धूल वगैरह उड़ के भी माला झोली के अंदर थोड़ा थोड़ा धूल जमता है। बीच बीच में माला निकाल कर झोली को झाड़ना चाहिए या धोना चाहिए, ये सब करना चाहिए। किसी किसी की माला झोली पोछा भी उससे सुंदर दिखता है, देखा तो याद है, ऐसे कई लोग हैं। अरे तुम्हारे कपड़े इतने साफ तुम पहन रहे हो क्योंकि तुम्हें गंदगी नहीं अच्छा लग रहा है, गुरुजी का दिया हुआ माला है, नाम प्रभु है, भगवान है, और उनको जिस स्थान पे तुमने रखा, पूछने पर माला झोली नहीं था। क्यों नहीं था? 20 कपड़े जब तुम्हारा है, हो सकता है 2-3 झोली हरिनाम का क्यों नहीं हो सकता? उसको रखो, धो और उसको बदल बदल के व्यवहार करो। किसी कारण से अगर एक ही रह गया तो भी माला को उठाकर मंदिर में भगवान के चरणों में रख के एक बार झोली को अच्छी तरह से धो के सुखा के उसके बाद उसमें फिर माला डाल के भी जप किया जा सकता है। ये सारे सेवा अपराध है, पोचे जैसे झोली में माला रखना, फटा हुआ गंदी सी झोली में माला रखना। किसी किसी का तो ऐसे करते करते उंगली लग लग के फट भी जाता है। तो इधर से निकलने का एक है, फिर इधर से ये उंगली भी बाहर निकलता है, और ये हाथ वाला तो है ही है, मतलब वो एयर फ्री है, चारों तरफ से आवाज आ रहे हैं। ये सब सेवा अपराध होते हैं। माला का कदर नहीं होना, विग्रह का कदर नहीं होना। उसके बाद ये प्रारंभिक अवस्था में, और उसके बाद गुरु वैष्णवों का कदर नहीं होना, वो भी बड़ा भयंकर अपराध है। वो भगवान के चरणों में, भक्त के चरणों में अपराध,
भक्त के अपराध कम और भगवान के चरणों में अपराध ज्यादा हो जाता है। नाम प्रभु किसके अधीन है? जिसने नाम प्रभु का आश्रय लिया, भगवान का वो शुद्ध भक्त जो गुरु वैष्णव निरंतर भगवत कथा भगवान के नाम के पिपासु होते हैं, उसी को करने वाले होते हैं। उनका सब समय भगवान का नाम में जाता है, भगवान की सेवा में जाता है, किसी ना किसी प्रकार से नाम प्रभु भी उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसके अपने हो जाते हैं। ऐसे भगवान ने जिसको अपना मान लिया है, अपना समझ लिया, ऐसे व्यक्तित्वों के प्रति जो अपराध, वो भगवान का अपराध होता है। वैष्णव अपराध खतरनाक इसीलिए क्योंकि भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाते। भगवान को कुछ भी बोलते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर भगवान को फर्क पड़ता है, जब कोई भगवान के जो प्रिय होते हैं, तदीय होते हैं, उनके अपने होते हैं, उनका कोई भी अनादर करता है, ये विशेषता है, उसको भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके सहन शक्ति से बाहर हो जाते, ये सब अपराध होते हैं। इन चीज़ों से हमें बच के चलना चाहिए। विग्रह के प्रति अपराध, माला के प्रति अपराध, हरिनाम के प्रति अपराध, और उसके बाद भगवान के व्यवहित वस्तुओं के प्रति अपराध, निर्माल्य के प्रति भी अपराध नहीं करनी चाहिए, वो भी अनर्थों का कारण हो जाता है। भगवान, भगवान का नाम और गुरु वैष्णव से जुड़ा हुआ कोई भी वस्तु के साथ कभी भी अपराध ना हो, इसका एक साधक को ध्यान रखना चाहिए। गुरु महाराज जी बोलते हैं, इनके साथ में अपराध करना, इनके साथ गलत व्यवहार करना, मतलब है आग के साथ में खेलना जैसा। आग के साथ खेलने वाला व्यक्ति जल जाएगा, वो आग खेलने का वस्तु नहीं है, वो निश्चित रूप से जल जाएगा। ऐसा ही व्यक्ति का सब कुछ खत्म हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। जितना मर्जी वो माला करे, जितना मर्जी वो कथा करे, जितना मर्जी वो साधन करे, जो मर्जी करे, उसके अंदर उसके शब्द जाल सुंदर हो सकता है, मार्जित हो सकता है, उसका प्रस्तुति अच्छा हो सकता है, जिसके चलते आकर्षित हो सकते हैं कुछ लोग कुछ समय के लिए, लेकिन वो लोगों की साधना सुंदर चलेगा इस बात का कोई भी भरोसा नहीं रहता है। बद्धजीव, संसार के अंदर फंसा हुआ जीव, शुद्ध भक्त के मुख से निकली हुई वाणी को ही समझकर आचरण नहीं कर पाता है। शुद्ध भक्त आके कह रहा है, अब अगर हम लोगों का छोड़ दें, स्वयं गुरु महाराज जी का ही देख ले, गुरु जी ने कितने सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात सोचते हैं, गुरुजी के उपदेश इतनी सरल भाषा में होने के बाद भी, बहुत ही सरल, गुरुजी ने कोई कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को टच नहीं किया, क्योंकि वर्तमान आधुनिक समय के अंदर जो लोगों की मनोस्थिति और विचारधारा को, जीवन शैली को देखते हुए गुरुजी ने सब कुछ बहुत सरल रखा, तब भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं मेरे जैसे, मतलब मैं स्वयं और मेरे जैसे, जो आचरण में उसको लागू नहीं कर पाते, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में फेल हैं। इतने बड़े महापुरुष जो कि अब इस युग में पुनः अवतरित होंगे कि नहीं, इसकी भी आशंका है। इस तरीके के व्यक्तित्व तो दोबारा इस युग में और अवतीर्ण होंगे कि नहीं, इसकी आशंका है। उनके आके कहने के बाद भी हृदय में जो है असर नहीं हो रहा है, तो जिसका आचरण नहीं, जिसका भजन नहीं, जिसका कुछ नहीं, ऐसे व्यक्ति बड़े सुंदर मार्जित भाषा में अगर प्रस्तुति देता भी है, खुद अपराधी होने के कारण, खुद
निष्ठावान ना होने के कारण, खुद एकांतिक रूप से समर्पित ना होने के कारण, उसकी वाणी भी किसी के जीवन के ऊपर किसी भी प्रकार का सकारात्मक छाप नहीं छोड़ता है। यही विशेषता, इसलिए बोल रहे हैं जरूरी नहीं है कि हमें महापुरुष ही होके करना है। महापुरुषों का बतलाया हुआ जो मार्ग है, महाजनगत सयेन पंथ वाला जो मार्ग है, उस पंथ को, उस मार्ग को अवलंबन करते हुए जब हम लोग चल रहे हैं, वो प्यूरिटी वहां से आता है, वो शुद्धता वहां से आता है। ऐसा तुर्याश्रमी महाराज जी, परम पूज्य पाशिला तुर्याश्रमी महाराज जी ने मुझसे कहा था कि तुम जो है प्रचार वगैरह करना, बहुत कुछ बोला उन्होंने, उसमें से एक शब्द ये था। मैं उनसे कहा कि इतने होकर, इतने बड़े होकर आप तो कभी कहीं गए नहीं प्रचार करने, और आप मुझे आदेश कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपका ये शिष्य जो है कैपेबल है, कर सकता है? मुझे एक प्रश्न हुआ था, मैंने पूछा उनसे कि आपको लगता है, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मैं तो अल्पज्ञ जीव हूँ। हर कोई अपने आप के बारे में जो है कम नहीं सोचता है, ये विशेषता है ना, कोई किसी के बारे में कम नहीं सोचता है। मैं बोला मैं तो एक अल्पज्ञ जीव हूँ, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ ये मायने नहीं रखता है, आपको क्या लगता है? आप अगर ऐसी आदेश दे रहे तो कुछ तो आपके मन में है, आप सोचा होगा। तब महाराज जी ये बोलते हैं अपना योग्यता के बारे में विचार करके आगे कुछ करने का कोशिश करोगे, कभी भी सफल नहीं होगे। कि मैं कुछ करने के लिए योग्य हूं, इस तरह का विचार लेकर के अक्सर बहुत गुण होने के बाद भी आदमी व्यक्ति इसीलिए अपने जीवन में विफल होता है क्योंकि वो ओवर स्मार्ट हो जाता है। उसको लगता है उसको अपने पोटेंशियल जो है इतना करने के बाद इतना दिखता है, उसको अपनी पोटेंशियल जो है बहुत ज्यादा दिखता है, उस चक्कर में वो अपना सब कुछ खत्म कर लेता है। महाराज जी ने, पूज्य महाराज श्री ने एक ही बात बोला कि हमेशा स्वयं को गुरुदेव के, गुरु परंपरा के अनुगत में रखते हुए उनके वाणी का मैं अनुकीर्तन करना है, इसी भाव को लेकर के करना जो भी करना है। कि मैं अपनी कोई कमेंट्री नहीं दे रहा, महाराज जी ने यही बात बोला, गुरु जी जिस प्रकार से आचरण किए हैं, और अगर हम विचार करते हैं 1947 में गुरुजी ने फिलॉसफी में, गुरुजी ने दर्शन शास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की है, मतलब 1947 के अंदर चौथी पांचवी पढ़ने वाले को भी बहुत पढ़ा लिखा माना करते थे। उस टाइम में पांचवी पढ़ ली इसने, मतलब है कि वो काफी क्वालिफाइड आदमी है। और उस समय गुरु महाराज जी ने जो है एमए की डिग्री प्राप्त की है, वो भी फिलॉसफी के अंदर। ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं है जो गुरुजी को नहीं मालूम है, गुरुजी ने सब स्टडी किया हुआ है। और उसके बाद गुरुजी ने परम गुरुजी का वाणी को भी श्रवण किया, और फिर गुरुजी जो निष्कर्ष पे पहुंचे उसी को जगत के आगे गुरुजी ने प्रसार किया। वो क्या है? गुरोर वाण्यानुकीर्तनम, गुरुदेव के मुख पद्म से विनिश्रित जो वाणी, उसी का अनुकीर्तन, और कुछ गुरुजी ने कभी किया ही नहीं। और ये इस पराकाष्ठा में किया कि गुरु महाराज जी को उस समय उनके कई गुरु भाई और बहुत सारे गुरुवर्ग और अन्य अन्य व्यक्तित्व गण गुरुजी को टेप रिकॉर्डर बोल के संबोधन करना शुरू कर दिया। किसी को टेप रिकॉर्डर बोलना चाहे व्यंग समझे व्यंग है, लेकिन अगर
महिमा समझे तो महिमा है। टेप रिकॉर्डर में क्या होता है, जो रिकॉर्डेड ट्रैक है एज इट इज उसमें आता है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि हर बार जो है कुछ इम्प्रोवाइजेशन के साथ में आता है ना, एज इट इज वर्ड टू वर्ड डिसेंड होता है। परमाराध्य गुरु महाराज जी ने अपने जीवन में वो आचरण आदर्श के साथ में करके दिखाया और पूज्य महाराज श्री ने भी यही बात कहा, माना कि तुम्हारे में योग्यता नहीं है लेकिन अनुकीर्तन करने की योग्यता हर व्यक्ति में है। निष्कपट होकर के गुरुदेव की वाणी का अनुकीर्तन जिस समय तुम करने लगोगे उसी समय तुम्हारे ऊपर उनका कृपा हो जाएगा, महाप्रभु का कृपा हो जाएगा, परंपरा का कृपा हो जाएगा और तुम्हारा उसी से मंगल होगा। ये बात है, इसलिए हम लोगों को सेवापराध से रहित होकर, नामापराध से रहित होकर हम लोगों को साधन करना चाहिए। ये जो चीज़ अगर हम इन अपराधों का ध्यान नहीं देते तो इसका जो परिणाम स्वरूप में हम लोगों का अंत में हमारा साधन भ्रष्ट होगा, इसके अतिरिक्त हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। साधन करने वाला साधक कम साधन करता है या बड़ा बृहद साधन करता है इसका कोई महत्व नहीं रखता है। महत्व इस बात का जरूर रखता है कि कितना निष्ठा के साथ में करता है, कितने सावधानी के साथ में करता है, कितना अनुगत्य में रह के करता है। इसलिए आगे की चर्चा कल करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरिहर।